बहुत अच्छा माहौल है। हम छत्तीसगढ़ से यहाँ हमारे बाजू के राज्य उड़ीसा में आए हैं, पड़ोसी राज्य है, और यहाँ 25 सालों से बीजेडी की सरकार है। जो विकास 25 सालों में होना था वो यहाँ पर नहीं हुआ है। हम बाजू के स्टेट से हैं तो हम जानते हैं छत्तीसगढ़ में जो विकास हो रहा है वही विकास यहाँ हो, इसके लिए हम यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए आए हैं। आप तो उम्मीदवार के साथ घूमे हैं, तो लोगों का रिएक्शन क्या है, क्या कहना चाहिए इसको? बहुत अच्छा है, लोग परिवर्तन चाहते हैं और बिल्कुल परिवर्तन करेंगे, और भाजपा के प्रत्याशी को भी अपना मतदान देकर के भारी मतों से विजयी बनाएंगे। लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन करेंगे। नहीं, यहाँ के देखिए 24 साल से बीजेडी का सरकार यहाँ उड़ीसा में है, लोगों का जो अभी आप लाए हैं वो लोग क्या कह रहे हैं आपको, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणाएं हैं, जो मैनिफेस्टो में दिया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है, इसका साक्षात उदाहरण आप छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं। चुनाव के पहले जो घोषणाएं हुई थी, वो चुनाव जीतने के बाद, चुनाव के बाद वो सारी घोषणाएं धीरे धीरे पूरी हो रही है। तो यहाँ भी जो मैनिफेस्टो में दिया हुआ है वो चुनाव के बाद यदि हमारी सरकार आती है तो वो भी पूरी। अंचल परिस्थिति यदि ठीक ढंग से तर्जमा करा, वर्तमान अंचलवासी अंचल धर्मगढ़ विधानसभा कहीं ओडिशावासी चाहिए ओडिशा रे गोटे सरकार परिवर्तन करो। 25 वर्षर शासन विफलता को लोक मन में अनुभव कर सारे। आज स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, सरकारी कार्यालय में जो भाया भाव में वैकेंसी कथा हो, आउ दुर्नीति जिते व्यापक हो जाए लोक मन में गोटे अतिष्ट विकास करतिष्ठ हो पड़ी, तेणु ये परिस्थिति समस्त मन भितर गोटे भरोसा केवल नरेन्द्र मोदी सरकार आसले अंचल विकास हे, युवक मानक निजुक्ति आत्मनिजुक्तिर व्यवस्था करा जीवा, तार सांगे सांगे ग्रामांचल में देखा दूसरा मौलिक सुविधा गुड़ाक पाखे पहुँची पार्बा, ये सब कुछ चिंतन करी आज चाषी मानी जहाँ घोषणा कर 3100 टंकार कथा हो, महिला मान आर्थिक स्थित उन्नति 50,000 टंका सुभद्रा योजन हो, कि आज मोर बुढ़ा बापा माँ मान लगे जेन मैंने ओल्ड एज पेंशन पाचन तांकर 3000 भत्ता कथा हो, समस्ते आज भारतीय जनता पार्टी मुहा एवं समस्त मन एवं पार्टी रे बाहरुचे आज परिवर्तन 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 आगामी दिन में परिवर्तन निश्चित भाव रे हबा, एवं ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी आसवा। कलाहांडी जिल्लार सबू सीट आम पार्लियामेंट क्षेत्र 7 विधानसभा एवं MP भारतीय जनता पार्टी जीत हवा, इतने कौन संदेह नहीं। जनसाधारण गोटे प्रकार परिवर्तन स्वर विभिन्न कूल अनुकूल कहीं दीर्घ 25 वर्ष शासन में सरकार जो चली केवल ठिकादार नीति में चली विभिन्न अफिसराज चली चाषी शोषण चली विभिन्न समय माँ मानक जो भाव में निर्यातना दि जाऊँगी यार विरुद्ध निर्वाचन चली आगामी 2024 निर्वाचन होड़शा को मुक्त करने निर्वाचन होणु जनसाधारण गोटे मनस्थ कर सारे आगामी 13 दिन भारतीय जनता पार्टी 2 पद्मफूल चिन्ह भोट दे ओडिशारे पद्मफूल चिन्ह बीजेपी सरकार हेब एवं केन्द्र में बीजेपी 400 पार होकर बहु वरिष्ठ सरकार हेब ये संदेह ना। एणु मुझे आपण मानकर माध्यम रे निवेदन करुच्ची कि धर्मगढ़ निर्वाचन मंडल समस्त जनसाधारण ये कुलांगार सरकार को विताड़ित कर बीजेपी सरकार को आने तरफ विनम्र निवेदन करें। लोगों का एक ये परिवर्तन, इस सरकार से थक गए हैं और पक गए हैं, लोग देख रहे हैं कि वाकई में बीजू पटनायक जो बनी है सरकार, जब से नवीन पटनायक हैं तब से आज 24 साल हो रहे हैं, 25 साल होने को हैं, लेकिन 25 साल में जो विकास होना था वो विकास नहीं हो पाया। आप बाजू को प्रदेश देखिए, हमारा 2001 में हमारा जन्म हुआ छत्तीसगढ़ में, आज हम 24 साल के हो रहे हैं, लेकिन ये 24 साल में और ये 25 साल में आप जाग दिए और दोनों का आप देखिए छत्तीसगढ़ में जो विकास हुआ है। मैं बस्तर से हूँ, आज बस्तर जाके देखिए, बस्तर को देखिए और विरोधक को कीजिए, उसके कहीं दुना लाख गुना बस्तर आज चमक रहा है। बस्तर में जो नक्सली मूवमेंट था, आज नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, आज परिवर्तन है बस्तर में। आप जाके देखिए, वाकई में देखिए कि वाकई में जो बस्तर विकास हुआ, जो छत्तीसगढ़ विकास हुआ है, उड़ीसा में उस तुलना में कुछ भी विकास नहीं हुआ है, खाली भ्रष्टाचार हुआ है। और जो नवीन पटनायक है वो ATM बन चुके हैं, पंडियन के ATM बन गए, पूरा पैसा आपका पैसा, आपके प्रदेश का पैसा पूरा तमिलनाडु का, आपने देखा है। कल बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो एनाउंस किया है,
उसमें भी कुछ योजना जो बीजेडी सरकार ने किया है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जो सरकार 25 साल में नहीं दे पाई, जब मोदी जी आए नौरंगपुर में आए तो उसके बाद वो घोषणा कर रहे हैं, पहले घोषणा क्यों नहीं की? ये बताता है क्योंकि हम समझ चुके हैं कि परिवर्तन हो रहा है। वो आने पौने जब गिदड़ की मौत आती जंगल भस्तर वही हाल है, उनको मालूम है हार रहे हैं, कहीं ना कहीं हार का कारण वो बन रहे हैं, इसी के लिए उन्होंने मैनिफेस्टो कल लागू करा। इससे पहले कर देना था उनको, उनकी सरकार थी, क्यों नहीं करे? जो 25 साल मैंने दिए कि आप देंगे वो? हमने देखा है 100 दिन की सरकार में मोदी की जो गारंटी छत्तीसगढ़ में कहा है, चाहे मध्य प्रदेश में कहा है, वो मोदी गारंटी 100 दिन में छत्तीसगढ़ की सरकार ने करके दिया है। हेलो 10th एग्जामिनर्स, आपण माने एमटेक का स्कूल खोजुचंती कि जेउंठी इंटीग्रेटेड कोचिंग पाई परबे, तेबे टीएससी गुरुकुल जोग दियंतु जा एकेडमिक लर्निंग पार्टनर फिजिक्स वाला सहित अनुमोदित। कॉल 9438782020।